हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है खान अकेडमी में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक जो सबसे बड़ा अन अकेडमी में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, अर्थात यानी अन अकेडमी समिट 2.0। ये जो समिट है ये 2 डेज होगा, यानी 20 ऑफ फेब यानी कल और 21 ऑफ फेब यानी परसों के दिन ये समिट होने को है। आपको रजिस्टर्ड कर लेना है और DBYT या फिर SPTSC10 इस कोड को यूज करके आपको क्या करना है कि इसमें से इसको क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। इसके साथ हम आगे बढ़े तो आप देखना है कि हमारे जो स्पीकर्स हैं, बिलनॉन यानी बहुत बड़ा नाम है, कैलाश सत्यार्थी आप सभी जानते होंगे, है ना। इसके साथ साथ दीपक गुप्ता साहब, जयेश राजन साहब, ये सारी यानी दुर्गा शक्ति नागपाल साहब, हेलो आस्था, ये सभी व्यक्तियों से आप इंटैक्ट कर सकोगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे कुछ एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप इनसे इंटैक्ट कर सकोगे। और आपको ये क्यों अटेंड करना चाहिए इसके पीछे थोड़ा सा सुन लीजिए कि देखिए, आप इन सारी चीजों को एग्जाम के नेचर को क्लैरिफाई कर सकोगे, इसमें जो क्या है और जो इसके साथ साथ ट्रिक्स और एग्जाम कैसे क्रैक करना है, सारे डाउट जो भी इससे संबंधित होंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ ये 2 डेज यानी जो कि मैंने बताया 20 ऑफ फेब और 21 ऑफ फेब को ये होने वाला है। 70 आइकॉनिक, इसमें से हेलो संदीप आइकॉनिक स्पीकर्स और 20 जो टॉक डिस्कशन, 32 इसमें से कुछ अदर, मतलब आप देखोगे फर्क साफ है। अच्छा, आप लोग एक चीज मुझे बता देना कि पीपीटी का, हेलो संदीप आस्था, पीपीटी को मैं कल से इसमें इंसर्ट कर दूंगा। हेलो काजल, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, ये 7 मिनट में हमें रिवीजन का लक्ष्य रखना है, ठीक है। तो ये पीटी मेंस और ऑप्शनल के लिए तो है ही एक क्लास है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा मैंने बताया था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेंस, फ्रांसीसी, ये ऐसा इनका क्या होता है, ये क्रम होता है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो हम पुर्तगालियों में अगर हम बात करें तो देखो, ये कह सकते हो कि पुर्तगालियों के भारत आने और बसने के क्रम में शुरू शुरू के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो जैसे जो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी हुआ करती थी, और लिस्बन से केप ऑफ गुड होप तक, कहां तक, यानी लिस्बन से वहां की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी, ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका होते हुए 17 मई 1448 AD को वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट मालाबार केरल के तट पर पहुंचते हैं और यहाँ के शासक जमोरिन ने उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि मसाले और अन्य कीमती वस्तुओं को खरीदते हुए उनकी, आप देखोगे कि इसमें खूब मदद होती है, और वास्को डी गामा उसी मार्ग के माध्यम से अगेन पुर्तगाल वापस चले जाते हैं, मतलब वापस लौट जाते हैं। यूरोप में करीब ये जाके जो भारत से लेके जाते हैं वस्तुएं, इनका करीब आप वहां जाके देखेंगे तो करीब 60% से ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 1500 AD में इसी मार्ग से अगले पुर्तगाली होते हुए पेट्रो अल्वेस कैब्राल आते हैं भारत, जो कि इनके बारे में मैंने बताया था। हाँ, बस वहां से लिखना है, मुझे याद है काजल, वहां से लिखाना है। अभी मैं पहले पुर्तगालियों के बाद डच के बारे में समझाऊंगा, इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। बस ये कहानी 7-8 मिनट में सुन लो, सारी चीज का रिवीजन हो जाएगा। तो 1500 AD में उसी मार्ग से होते हुए, अब 1500 AD में एक जो दूसरे पुर्तगाली होते हैं पेट्रो अल्वेस कैब्राल भारत आते हैं। फिर 1501 में ये वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं और वो कोचीन में पुर्तगाली फैक्ट्री का क्या करते हैं, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। भाई फैक्ट्री का यहाँ मतलब देखिए, गोडाउन से था, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। तो आप कई बार जब यहाँ कोई भी टीचर या कभी भी आप ध्यान रखिएगा कोई पढ़ाए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ फैक्ट्री का मतलब ये कतई नहीं है कि प्रोडक्शन होता था, ये गोडाउन की तरह होता था। यहाँ चीजों को, वस्तुओं को एक्वायर किया, मतलब इकट्ठा किया जाता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सारी चीजें थी, तो गोडाउन, पहली गोडाउन का स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना यही
आगे करते हैं वास्को डी गामा, और फिर 1503 और 4 में पंचे को, 1503 और 4 में पंचे को भारत आते हैं, और ये जो कनानूर, ये मालाबार के ही तट पे ये एक नई फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। हेलो युआन, नई फैक्ट्री का ये निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ देखोगे आगे चल के 1505 में, हेलो मनीष, ये 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने भारतीय व्यापार से व्यवस्थित रूप से जुड़ने के लिए उनने कंपनी की स्थापना करी, और इसी को एस्टाडो द इंडिया कहा गया। 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने भारतीय व्यापार से संगठित तौर से जुड़ने के लिए एक कंपनी की स्थापना करी, इसी कंपनी का नाम जाके एस्टाडो द इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? एस्टाडो द इंडिया पड़ा, स्टाडो द इंडिया पड़ा, स्टाडो द इंडिया पड़ा। ये सारी नोट्स मैं अब लिखवा भी रहा हूं, तो यहां आपको परेशान नहीं होना है, ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा, और आपकी नोट आपके ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। इसके साथ साथ देखो कि यह सरकार, मतलब इस जो कंपनी थी, तो स्टाडो द इंडिया सरकार नियंत्रित करती थी, जिसका भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अधिकारी होता था वो गवर्नर होता था, अर्थात ये जो फैक्ट्री, जो कंपनी गवर्नर, सॉरी कंपनी को गवर्नर हैंडल करता था, और गवर्नर को कंपनी के हित में और व्यापार से संबंधित यानी संधि और युद्ध विस्तार, ये सभी प्रकार के अधिकार होते थे, गवर्नर ही इन सारी चीजों को हैंडल करता था। पुर्तगाली गवर्नरों के अधीन अगर हम कुछ बातों की बात करते हैं, तो पुर्तगाली गवर्नरों में हम पहले देखेंगे, सबसे पहले जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहले गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पढ़ाया था मैंने, डी अल्मिडा, डी अल्मिडा ये भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होते हैं, और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जारी करी। इसका अर्थ क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जमीन पर कब्जा न करना, मतलब जमीन पर कब्जा न करने की बजाय वाटर पे, समुद्र पे कब्जा करना, ठीक है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मिडा जो ये गवर्नर होते हैं यही जारी करते हैं। आप देखोगे ये जमीन पर कब्जा करने के बजाय समुद्र पर कब्जा कर रहे थे, और व्यापार को नियंत्रित कर रहे थे, इसी उद्देश्य से इन्हें अफ्रीका से लेते हुए भारत के तट को, भारत से अफ्रीका तक जितना भी ये रूट था, इस चीज को, ये रूट को पूरी तरीके से ये कंट्रोल कर रखे थे। इसके साथ पुर्तगाली जो ये गवर्नर थे, तो जो फैक्ट्रियां थी जो मैंने अभी बताया, ये गोडाउन आप समझ लो, तो इनकी फेंसिंग कर दी गई थी, किलेबंदी कर दी गई थी, इनकी फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर दी गई थी, और भारत में पुर्तगाली कंपनियों का वर्चस्व हो गया था। अब इसके बाद जो दूसरे गवर्नर आते हैं, जो दूसरे गवर्नर होते हैं, अल्फांसो टी अल्बुकर्क, ध्यान रखिएगा इनका क्या नाम रहता है, अल्फांसो, अल्फांसो टी अल्बुकर्क, टी अल्बुकर्क, ये आपको पीटी के लिए ये फैक्ट बताता हूं, आपको जितने भी जरूरी चीजें थी तो मैंने उसे लिखवाया था, लेकिन ये फैक्ट पीटी के लिए याद रखना है। भारत में इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, इनको भारत में पोर्टुगीज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनने 1510 में, 1510 ईडी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, और बाद में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनाते हैं। वो कौन राजधानी बनाते हैं? इनके दूसरे गवर्नर और वास्तविक गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने भारत में पुर्तगालियों के बसने और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगालियों को, और इसने अपनी सेना में, आर्मी में भारतीयों को नियुक्त करना शुरू किया, और यही इनकी नीति थी कि अपने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्राधिकार को क्या कर सकें, विस्तारित कर सकें, और इन्हीं ने सबसे पहले, आप देखोगे अगर, तो सती प्रथा की क्या करवाते हैं, रोक लगाते हैं, सती प्रथा में रोक लगाते हैं। शांत नीले जल की पॉलिसी ने ब्लू वाटर, जो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी इसमें से ब्लू वाटर पॉलिसी यानी जल समुद्र की नीति थी ये,
और अगर आप ओवरऑल कहो इनका जो जो सेंगवान साहब, इसमें होता क्या था कि इनका फोकस जमीन की बजाय समुद्र पे था और उन रूट पे था, समुद्र के उन रूट पे था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की या दूसरी क्लास में मैंने बताया था आपने कि आप देखोगे कि आप गुड होप से होते हुए मेडागास्कर और इधर हॉर्मुज तट को और मलक्का जल संधि, मालाबार से मलक्का जल संधि तक इन सारी जगह इनने कंट्रोल कर लिया था, इन हर जगह इनने कंट्रोल कर लिया था। तो इसी वजह से ये जमीन की बजाय समुद्र को कंट्रोल कर रहे थे, यही इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ठीक है, अब देखो ब्लू मतलब ये देखो समुद्र का जो जल है वो नीला होता है, तो वाटर पॉलिसी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सोच रहे थे कि अगर हम इन क्षेत्रों में कब्जा कर लेंगे, इन क्षेत्रों में कब्जा कर लेंगे तो ऑब्वियस है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल पे होंगी। अगेन हम आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क पर, इन्होंने मलक्का और इंडोनेशिया और मलेशिया के जो बीच में है मलक्का जल संधि आप देखे होंगे, और होर्मुज जल संधि तो पारस की खाड़ी के तट पर है। तो ये कहां पर, यानी मलक्का जल संधि पे, और होर्मुज जो कि आज पारस यानी ईरान के आसपास के क्षेत्र पे है, तो यहाँ पर ये कब्जा कर लेते हैं। और समुद्र में पुर्तगालियों की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज थी, सामरिक नीति थी, उसको ज्यादा से ज्यादा ये मजबूत करते हैं, है ज्यादा से ज्यादा ये मजबूत करते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि विजयनगर के शासकों से इनका संबंध बढ़िया रहता है। जैसे कि अगर हम अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क के बारे में आपको चार पांच चीजें याद रखना है। जैसे कि ये वास्तविक क्या थे, ये वास्तविक संस्थापक थे, ये वास्तविक संस्थापक थे, और 1510 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से ये संबंध बनाए। वहीं इन्होंने भारतीय भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया, और इनका संबंध विजयनगर के जो शासक थे बहुत अच्छा था। इसके साथ साथ मलक्का और हुरमुज की जल संधि जो सॉरी हुरमुज में इनने कब्जा कर लिया था। तो इसमें से कुछ ये की पॉइंट अल्बुकर्क के बारे में इतना ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा तो इतनी में से ही पीटी में क्वेश्चन अल्बुकर्क के बारे में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तीसरे गवर्नर होते हैं पुर्तगालियों के, ये भी एक नामी गवर्नर माने जाते हैं, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। इनका जो टाइम पीरियड 1529 से 38 माना जाता है, तो नीनो सभी को मिल जाएगा, प्लीज यहां थोड़ा सा सुन लें, ठीक है, प्लीज यहां थोड़ा सा सुन लें, पहले मुझे सारा सबको नोट्स मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलो अब देखो नीनो डी कुन्हा की अगर हम बात करें तो 1529 से 1538 में इसने पुर्तगालियों की जो राजधानी है कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। कहां, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी, गोवा स्थानांतरित कर दी। कुन्हा का गुजरात के समकालीन जो उस समय के इनके साइमल्टेनियस शासक थे, जो बहादुर शाह से संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे, दोनों के गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पे ये जल विहार कर रहे थे और जहाज पर इनका झगड़ा हो जाता है। किसका, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा और बहादुर शाह, नीनो डी कुन्हा और बहादुर शाह का संबंध अच्छे नहीं थे, ये मीटिंग हो रही थी बहादुर शाह का, तो यहीं पे इनका झगड़ा हो जाता है। तो कुन्हा बहादुर शाह को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं, जो कुन्हा है ये बहादुर शाह को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं, तो ये इनका सारी चीज रहा है। वही 16वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों के भारत में कुछ व्यापारिक सेंटर, कुछ व्यापारिक केंद्र उभर कर आते हैं। तो आप व्यापारिक केंद्रों में कुछ चीजें ऐसे याद रखना कि देखो आप नक्शा ऐसे भारत का मैप बनाना, और इसमें से जैसे सूरत हो गया ऐसे याद रखा करो सूरत, ये दमन हो गया, क्या हो गया, दमन हो गया, बंबई हो गया, बंबई 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 के बाद ये गोवा हो गया, क्या हो गया, गोवा हो गया, बाद में ये दहेज में बंबई दे दिया जाएगा, आपको पता है अंग्रेजों को दहेज में दे दिया जाएगा, और यहाँ चटगांव में भी इनकी फैक्ट्री होती है, चटागोंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, चटगांव, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ये हुगली, क्या हो गया, हुगली हो गया,
मसूली पट्टनम, और यहाँ पे सेंट थोमे 2017 में सेंट थोमे से क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था। कोचीन कोचीन और कालीकट, साल कालीकट में ही ये सबसे पहले आएंगे, कालीकट, ठीक है। तो सबसे पहले ये कालीकट में ही आते हैं। तो ये इनके फैक्ट्री रही है 16वीं शताब्दी में, जो 16वीं यानी 16 सेंचुरी में पुर्तगालियों की ये क्या है, कुछ व्यापारिक केंद्र रहे हैं, व्यापारिक केंद्र रहे हैं, व्यापारिक केंद्र रहे हैं। तो आप ऐसे इनको पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। यानी इसमें से जैसे सूरत, दीव, दमन, बंबई, और बंबई को बाद में अंग्रेजों को दे दिया जाएगा दहेज में, ठीक है। इसके साथ भारत, देखो पुर्तगालियों की भारत को क्या देन थी, अगर पुर्तगालियों को भारत की क्या देन थी, उस दिन मैंने लिखवाया भी था कि पुर्तगालियों ने भारत में कई प्रकार की फसल जैसे कि मक्का, आलू, टमाटर, लाल मिर्च हो गया, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीला और तंबाकू, ये सारी चीजें वहां से मतलब कायदे से अगर प्रचलित हुई भारत में तो यही लेके आए हैं। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम एस्ट्रोलैब, है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम, ऊपर मैसेज थे क्या हुआ, पहले प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लो। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम एस्ट्रोलैब यानी जो घड़ी है, यांत्रिक घड़ी है, और त्रिकोण पाल का प्रवेश भारत में, सॉरी भारत में प्रवेश करवाया। पुर्तगालियों ने ही 1556 में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, जिसे गोवा के पादरियों ने स्थापना किया था। अब समुद्र पर पुर्तगालियों की जो नियंत्रण की पॉलिसी थी, पुर्तगाली खुद को समुद्र का स्वामी मानते थे, और अंततः आप देखोगे समुद्र में व्यापार के लिए कार्टेज परमिट जारी हुआ करता था, क्योंकि ये मतलब परमिट, आप समझते हो परमिट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो इनकी स्वीकृति के बिना समुद्र में कोई भी जहाज नहीं आ सकता था, और जहाजों की मनचाही तलाशी ये लोग लिया करते थे। यहां तक इसमें कहा जाता है कि इनकी इतना कंट्रोल था कि उस समय के एक सम्राट, बड़े सम्राट अकबर तक को इनसे स्वीकृति लेनी होती थी। वहीं पुर्तगालियों के भारत में पिछड़ने के क्या कारण है ये बताना था। 1756 में क्या हुआ था, 1756 में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा काजल। गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित करी गई थी। गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जिस द्वारा छपाई आप देखते हो, इन्हीं ने स्थापना आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की करी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे कि आखिर ये जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली भारत में क्यों पिछड़ गए, पुर्तगालियों के भारत में पिछड़ने के कारण, भारत में पिछड़ने के कारण क्यों पिछड़ गए, कुछ तो कारण रहा होगा। देखो 1595 AD यानी सॉरी 1595 AD तक ही पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल रखा और दबदबा कायम रख सके। इसके बाद धीरे धीरे वे दूसरे अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनको चैलेंज करने लगी, तो इसके मुकाबले ये धीरे धीरे पिछड़ते गए, और इनके कई कारण हैं, जैसे कि डच और अंग्रेजों के मुकाबले इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पुअर थी। इनकी सारी चीज तो ठीक थी, लेकिन आप देखो कि जो टेक्नोलॉजी के मायने पे ये डच और अंग्रेजों से पिछड़ गए, डच और अंग्रेजों से पिछड़ गए। इसके चलते ही कहीं ना कहीं इनकी ये पीछे होते गए। साथ में पुर्तगाल एक छोटा देश है, और यहाँ जनसंख्या में आप देखो कि जनसंख्या और संसाधनों की कमी थी, तो भारत में उसे प्रॉपरली आप देखोगे कहीं ना कहीं भारत में उसे कमजोर बनाया। और पुर्तगाली शासकों द्वारा व्यापार के साथ साथ धर्म को भी एक जुड़ाव देखा गया, जुड़ाव कायम रहा। तो कई पुर्तगाली गवर्नरों की भारत में जो धार्मिक पॉलिसी थी यानी धार्मिक नीति थी वो अच्छी नहीं थी, और इसके चलते भारतीय शासकों से जो इनके संबंध है वो खराब होते चले गए, और इनके पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा। वही 16वीं शताब्दी में इन्होंने भारत की अपेक्षा जो ब्राजील उपनिवेश पर, ब्राजील पर इनका फोकस ज्यादा रहा, इसके चलते ये भारत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए और क्या हो गए, फाइनली पिछड़ गए। तो यहां तक मैंने आपको चीजों को बताया, ये मुझे लास्ट में लिखवाना भी था, वो मैं लिखवा दूंगा। अब हमें देखना है डच,
है डचों के बारे में। तो चलो देख लेते हैं भैया, डच कंपनी ये क्या है, डच, डेंस या हॉलैंड, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। देखो, दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधे प्रवेश पाने के उद्देश्य से कुछ डच कंपनियों ने 1592 में, ध्यान से सुनिएगा ये टाइम पीरियड, डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1592 ईस्वी में भारतीय व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया। कौन सी? भारतीय व्यापारिक कंपनी, भारतीय व्यापारिक कंपनी, भारतीय व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया। किस लिए गठन किया गया? ये दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत कहाँ, अगर आप मैप में देखोगे तो भारत का जुड़ाव कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इनको मसालों का व्यापार करना था, मसालों के बाजारों से जुड़ना चाहते थे, मसालों की बाजारों में प्रवेश चाहते थे। तो इस जिसके पहल आप देखोगे, इसके जो पहल है, पहला डच जहाजी बेड़ा जो 1595 में, पहला जो डच जो जहाजी बेड़ा है 1595 में, कार्नेलिस हसोमान, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति होते हैं ये 1595 में, कार्नेलिस, कार्नेलिस हसोमान, हसो हसोमान, ये व्यक्ति के नेतृत्व में हॉलैंड से भारत ये क्या होते हैं चला, क्योंकि ये भी केप ऑफ गुड होप है, जो उसको होते हुए सुमात्रा और फिर बंटाम पे जाके जा पहुंचते हैं। तो आप देखोगे कि ये 1595 में इस व्यक्ति के नेतृत्व में, कार्नेलिस के नेतृत्व में ये चलना शुरू करते हैं, और 1602 में, कब? 1602 में, यानी 1602 AD में, हॉलैंड यानी डच, हॉलैंड जो सॉरी डच या हॉलैंड है, यहाँ संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जब संसद क्या कर देगा, रेटिफाई कर देगा, इसके बाद डच संयुक्त तौर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाएगी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा, जो वहां का पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट था, तो उसके द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ, मात्र 21 सालों के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया। यानी कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। किसके किसके साथ? भारत और पूरब देशों के साथ, पूरब देशों के साथ। पूरब का मतलब कि देखो जो डच है कहां भी पड़ता है, तो डच से आप ऐसे अगर देखो तो भारत का कहीं लोकेशन यहाँ पे, सॉरी भारत का लोकेशन यहाँ पे है, डच का लोकेशन तो इसके पूरब में ही भारत पड़ा ना, इस वजह से पूरब के देशों और भारत मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए कहा गया। ये जो प्रस्ताव है पारित हुआ, इसमें इस प्रस्ताव में, जो प्रपोजल में, एक अधिकार पत्र, एक क्या है, अधिकार पत्र जारी किया गया, जो कि मात्र 21 वर्षों के लिए था। भारत में शीघ्र ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार, अपनी हेजमनी कर ली, और भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये पुलिकट स्थित जो गोलरिया का दुर्ग है, पुलिकट के आसपास था, तो गोलरिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई ना कोई, आप देखोगे कोई भी किलाबंदी यहां नहीं थी। तो इसके साथ साथ ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अधिक रुचि इंडोनेशिया के व्यापार पर ज्यादा हुई बजाय भारत पे, और इसके पिछड़ने का कारण एक ये भी होगा, डचों का जब भारत में पिछड़ेंगे, तो बहुत दिन तक भारत में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कारक एक्टर ये भी निकल के आएगा। वहीं डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना, अपना प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करेंगे, और डचों द्वारा जो भारत में कुछ कारखाने हैं इनकी स्थापना कुछ ऐसे करी जाएगी। आप जैसे मान लो कि पुलिकट में 1610 में ये पूछा जा सकता है, तो मैं पहले लिखवा देता हूं, मतलब लिखवाना तो मैं उसमें लिखवाऊंगा ही, पुलिकट में 1610 में, और फिर पिपली, बंगाल में पड़ता है पिपली, आज भी है ये पिपली, ये बंगाल में, ये 1627 में, कब? 1627 में, और बिमलीपट्टम, ध्यान से सुनिएगा, बिमलीपट्टम ये भी साउथ इंडिया में पड़ता है, बिमली, बिमलीपट्टम, बिमली सॉरी पट्टम है ये, बिमलीपट्टम 1641 में, और करिकाल, एक फैक्ट्री इनकी करिकाल में स्थापित होती है।
करिकाल 1645 में, कब 1645 में, और सूरत में ये स्थापित करते हैं 1616 में। ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है सूरत में, बिहार पीसेस में 2 बार पूछा गया, तो 1616 में, 1616 में। सर डच के पिछड़ने के कारण रिपीट कर दो। अभी मैंने डच के पिछड़ने के कारण नहीं बताया, जब मैं परिणाम बताऊंगा, अभी बताया कहां मैंने, अभी बताया नहीं कारण, परेशान नहीं हो, बताऊंगा। अगर आपको पीसीएस भी देना है, अगर आपको पीसीएस भी देना है, तो ये फैक्ट याद रखने होंगे। सूरत में इनकी कंपनी की स्थापना 1616, और पीसीएस में कभी कभी इतने मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप वहां जानते हुए आते हुए भी नहीं कर पाओगे, खासकर बीपीएससी में। 5 ऑप्शन होते हैं, लास्ट में ऊपर से ऑप्शन ये होता है कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से सब, तो ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है, तो इन्हें ध्यान रखना होगा। अब अगला देखो, चिंसुरा में इनकी और कंपनी होती है, विमलीपट्टनम आपने लिख लिया था, चिंसुरा, चिंसुरा में 1653 में। ये बार बार मैं लिखवाऊंगा, वहां पे मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाऊंगा, लेकिन यहां अगर आप लिखना चाहते हो थोड़ा बहुत रफ में तो लिख लो, कोचीन में 1663 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। तो ये सारी इनकी कंपनियां होती हैं, वही कासिम बाजार, पटना, बालासोर और निगा पटना। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 चीज है, और दो यानी जो 66वीं बीपीएससी है, पीटी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो और कासिम बाजार, पटना, बालासोर और निगा पटना, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था, यानी कासिम बाजार पटना, चेक कर लीजिएगा बीपीएससी में, पटना, बालासोर और निगा पटना, नेगा पट्टनम, नेगा पट्टनम 1658, नेगा पट्टनम 1658 में यहां स्थापना करी गई थी। वहीं 1690 तक डच गवर्नर का जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, वो पुलिकट हुआ करता था। इसके बाद नेगा पट्टनम ये अपना जो डच गवर्नर है हेडक्वार्टर बनाएंगे, और डचों द्वारा भारत से जो नील सोना और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, भारत से किस चीज का निर्यात होता था, डचों के द्वारा भारत से जो नील का निर्यात होता था, इसका नील का निर्यात, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नील का, सोरा का, सोरा का और सूती वस्त्र का, किसका, सूती, सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का। ध्यान से सुनिएगा, भारत से ये क्या करते थे, इन सारी चीजों का निर्यात करते थे डचों द्वारा, डचों द्वारा भारत से निर्यात किया जाता था। इसके साथ साथ आप देखोगे कि सूरत स्थित जो डच व्यापार, जो इनका एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला एक केंद्र, एक सेंटर हुआ करता था। वहीं डचों द्वारा कोरोमंडल के जो तटवर्ती प्रदेशों में, जो जैसे कि कोरोमंडल का जो एरिया है, तो कोरोमंडल के तटवर्ती प्रदेशों में आप देखोगे कि सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था, और मालाबार का जो तटवर्ती जो प्रदेश है, यहाँ डच व्यापारों का भी, ये मालाबार का और कोरोमंडल का, तो यहाँ डच व्यापारों का जो मसालों का क्या होता था, व्यापार होता था। कभी कभी यहाँ से भी चीजें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि कोरोमंडल तट से और मालाबार तट से, तो आप देखोगे कि मालाबार तट से मसालों का व्यापार ये लोग करते थे, और जो कोरोमंडल तट है यहाँ से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, यहाँ से ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित जो पैगोडा सिक्का का प्रचलन करवाया, कहाँ पे, ये पुलिकट में स्वर्ण निर्मित, ये सोने का बना होता था, ये फैक्ट भी कई बार पूछा जाता है। तो डचों द्वारा किसका, यानी स्वर्ण निर्मित सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, यानी पैगोड़ा सिक्का बोला गया है उसे, किसका, पैगोड़ा सिक्का का ये लोग प्रचलन करवाए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरीके से बाहर कर दिया, लेकिन आप देखोगे अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके, और जब ये नौसैनिक सॉरी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक
पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो ऑब्वियस है इन्हें जाना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। वही 1759 में जो लड़े गए एक युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, 1759 में एक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के बारे में डिटेल से डिस्कशन होगा, जो बेदरा का युद्ध है, बेदरा का युद्ध भी आप सुनते होंगे। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करते हुए, अंग्रेज यहाँ इस युद्ध में जो बेदरा का युद्ध है, या बेदर्रा भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो ध्यान रखिए बेदरा के युद्ध में जो अंग्रेज हैं क्या करेंगे, अंग्रेज डचों को हरा देंगे, इनकी जीत हो जाएगी और उनकी शक्ति भारत से समाप्त हो जाएगी, यानी डचों की जो शक्ति है भारत से फाइनली समाप्त हो जाएगी। ये भारत में डचों की असफलता के क्या कारण है, आप देखोगे कि इनका जो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका जो नियंत्रण है सीधे तौर से सरकार से होता था, तो कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ भर लिए गए थे। साथ ही साथ देखोगे भारत में डचों के आगमन के बाद यहाँ से जो सूती वस्त्र उद्योग है तो उसका जो निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया, लेकिन आप जो इनकी स्थिति देखोगे तो फिर भी ये पिछड़ गए। इनके अगर हम पिछड़ने के कारणों की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो डचों के पिछड़ने के जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि इनमें माल ढुलाई और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में आप देखोगे तो डच पुर्तगालियों के मुकाबले एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे, लेकिन ये शीघ्र ही उनकी जो शक्ति है कमजोर होने लगी और ये धीरे धीरे क्या हो गए, कमजोर पड़ गए। कैसे कमजोर पड़ गए, अगर हम बात करें अंग्रेजों के आने के बाद तो डच नौसैनिक तौर से जो मतलब नौसैनिक श्रेष्ठता के मामले में उनसे कमजोर सिद्ध हुए, कैसे, अंग्रेजों से। और वही मैंने बताया कि जो बेदरा के युद्ध में ये क्या कर गए, हार गए और फाइनली मारे गए। वही डच मुख्यतः भारत के जो मंडियों से निर्यात करते थे, ध्यान से सुनिएगा ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो डच है वो मेनली भारत की मंडियों से निर्यात करते थे। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी जो इनकी समकालिक और साइमल्टेनियस कंपनी थी, वो आप देखोगे उनका जो निर्यात है वो निर्यात व्यापार में शामिल तो हुई, लेकिन इनकी अपेक्षा वो डायरेक्टली मंडियों की बजाय वो किसे चुनती थी कि जैसे किसानों को या मतलब उनके मीडिएटर्स, तो उनको चीजें सस्ती मिल जाती थी, इस वजह से इनको एग्जिट करना पड़ा, क्विट करना पड़ा, तो ये भी कारण है। और इसमें जैसे फ्रांसीसी कंपनी जो निर्यात व्यापार में शामिल हुई, लेकिन इसमें से डचों की मांग कम होने के चलते उनका व्यापार धीरे धीरे सिमटने भी लगा था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज और जो इनकी स्किल ज्यादा बेहतर थी फ्रांसीसियों की डचों की अपेक्षा, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं और इससे फाइनली डच कमजोर होंगे। और डच लोग अधिक खर्चालु भी होते थे, ये ज्यादा पैसा खर्च करते थे, इसके चलते भी इनकी बचत नहीं हो पाती थी। और ये भी अगर बचत नहीं करोगे और व्यापार में उतरे हो, किसी को कॉम्पीट करना है, तो पिछड़ने का एक मुख्य कारण ये भी हो जाएगा, पिछड़ने का एक कारण ये भी हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, डच से जितना भी हमें जरूरी था चीजें हमने डचों के बारे में देख लिया है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। काजल, संदीप, आस्था, किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी पूछना हो डचों के बारे में, जो भी मैंने बताया, अगर किसी को लगता है थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो पूछो। हम डेनमार्क के मतलब अगली जो कंपनी है तो डेनमार्क वालों के बारे में फिर ये कल हम डिटेल से लिख भी लेंगे ना। चलो अगली कंपनी डेनमार्क। डेनमार्क शुरू करें, शुरू करें ना। चल अब देखो, डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है। इस कंपनी ने 1620 में ट्रैंकोबार तमिलनाडु पे पड़ता है, तो 1620 में तमिलनाडु ट्रैंकोबार पे, 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करी। श्रीरामपुर डेनों का एक बहुत बड़ा एक आप ये कह सकते हो संगठित और बहुत महत्वपूर्ण कथा केंद्र था। इनकी दो कंपनियां बहुत मतलब दो फैक्ट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1620 में ये क्या करते हैं, 1620 में कहां, ट्रैंकोबार तमिलनाडु में, ट्रैंकोबार तमिलनाडु में
और श्रीरामपुर, श्रीरामपुर है, ध्यान से सुनिएगा, श्रीरामपुर नहीं है, श्रीरामपुर। 1676 में, कब? 1676 में श्रीरामपुर में। चल फास्ट हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, चलो थोड़ा सा धीमा बोले। चलो देखो, ये जो डेनमार्क लोग थे ना, ये इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, सबसे पहले 1616 में ये लोग क्या है, इनकी स्थापना होती है। इसके बाद ये 1620 में जो तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में ही ट्रेंकोबार है, तो ट्रेंकोबार में इसकी कंपनी की स्थापना, मतलब एक फैक्ट्री डाली जाती है। फिर इसी के बाद अगले कुछ सालों बाद, करीब 36 सालों बाद, 1676 में श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है, तो ये कंपनियां स्थापित करते हैं। फिर 1845 में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच देंगे। तो डेनमार्क, ये डेन लोग हैं, ये क्या करेंगे, इनको बहुत ज्यादा फायदा वगैरह नहीं होता है। अच्छा, रिपीट तो कर दिया, इनको बहुत ज्यादा इस कंपनी से फिलहाल फायदा वगैरह नहीं होता है, कॉम्पिटिटर इनके ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अपनी 1845 में, कब? 1845 में ये अपनी कंपनी को अंग्रेजों के हाथ बेच देंगे, अपनी कंपनी को अंग्रेजों के हाथ बेच देंगे, और ये सारा चीज इनका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये आप देखोगे डेनमार्क वालों के, डेनों के बारे में है, ठीक है। डेनों के बारे में अगर और कुछ, देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इतना मतलब जितना बता दिया मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, बस इतना ही है इन लोगों के बारे में। अब देखना है हमें डेनों के बाद क्या देखना है, फ्रांसीसियों को थोड़ा सा देख लो, फ्रांसीसी, इनका भी थोड़ा सा टाइम पीरियड आप देखो, 1668 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, क्या नाम है इस व्यक्ति का, फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में कारखाने की स्थापना करी गई। कब? 1668 में सूरत में कारखाने की स्थापना करी गई। इसके बाद देखोगे कि 1672 में एडमिरल हे, एडमिरल हे के नेतृत्व में सेंट थोमे मेड्रॉस, सेंट थोमे मेड्रॉस में एक कारखाने की स्थापना करी गई एडमिरल हे के नेतृत्व में 1672 में। अगेन इंपॉर्टेंट, सूरत में जो स्थापना करी गई ये 1668 में, ये टाइम पूछा जाता है। सर डच और डेनमार्क ज्यादा ठीक नहीं है, डच और डेनमार्क ज्यादा टिका नहीं, हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा टिके नहीं, बिल्कुल काजल, ये ज्यादा नहीं टिकते हैं। देखिए भारत में अगर कोई टिकेगा, अगर भारत में कोई टिकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज टिकेंगे, और अंग्रेजों का राज आप देखोगे कि हमारी आजादी के बाद अंग्रेजों का राज फाइनली समाप्त होगा। तो अभी इनको हम जल्दी से फ्रांसीसियों को भी उड़ाते हैं, डेनों को भी उड़ा दिए ही हैं, अब फ्रांसीसियों को उड़ा के अब डिटेल से अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। तो देखो ये फ्रेंको कैरो हैं, इनके नेतृत्व में सूरत में एक फैक्ट्री डाली गई, फिर यही एक फैक्ट्री 1672 में, एक फैक्ट्री सेंट थोमे ये मेड्रास में पड़ता था, स्थापना करी गई। ये 1669 में, यानी मरकारा के नेतृत्व में मसूली पटना, मरकारा के नेतृत्व में मसूली पटना में 1669 में, हाँ 1669 में एक फैक्ट्री डाली गई। अब देखोगे लुई 14वें के जो मंत्री हैं कोलबर्ट द्वारा, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में, कब? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई, ठीक है। इसे आप देखोगे कंपेन डेज इंडेज ओरिएंटेल भी कहा गया, इसे लिख देता हूं नहीं पता चले। देखो लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, जो लुई 14वें राजा थे, शासक थे, लुई 14वें के एक मंत्री थे, मंत्री क्या नाम था इन मंत्री साहब का, कोलबर्ट, कोलबर्ट, ये 1664 में कोलबर्ट, ये जो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ईस्ट आपको समझ में आ रहा है क्यों लगाया गया भैया, ये सब लोग ईस्ट से व्यापार कर रहे हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
इसी को देखोगे कंपेन, आपसे ये पूछा जा सकता है कभी भी, कंपेन डेज इन डेज इन डेज, ओरियंटलेस ओरियंट ओरियंटलेस ओरियंटलेस कहा गया, किसी को कंपेन डेज ओरियंटलेस भी कहा गया। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा यह विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन भी प्राप्त कराए जाते थे, इसीलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा गया, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनी नहीं थी, यह सरकारी कंपनी थी कि राज्य के द्वारा इन्हें सहायता, यानी इनके इनको सहाय की समर्थन मिलता था, किसी भी प्रकार का समर्थन, चाहे वो वित्तीय समर्थन हो या कोई आप वैसा कोई समर्थन हो, तो इन्हें राज्य के द्वारा पूरा समर्थन दिया जाता था, तो सरकारी कंपनी भी, सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। वही 1667 में मैंने बताया फ्रेंसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत के लिए रवाना होता है, किसके नेतृत्व में, फ्रेंसिस कैरो के, कब, 1667 में, 1667 में एक फ्रेंसिस कैरो के नेतृत्व में ये अभियान भारत की ओर चलता है, रवाना होता है। ये जाके 1668 में आप देखोगे, 1668 में सूरत में ये पहली अपनी कारखाना, अपनी फैक्ट्री को क्या करेगा, स्थापित करेगा। इसके साथ साथ 1669 में, अब 1669 में मरकरा, मैंने बताया ना, मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करते हुए मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कंपनी की स्थापना करी जाती है, फैक्ट्री की, कंपनी नहीं सॉरी, फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना करी जाती है। इसके बाद देखोगे 1673 में कंपनी के निदेशक जो होते हैं फ्रेंसिस मार्टिन, फ्रेंसिस मार्टिन क्या करते हैं कि बेली कोंडपुर के सूबेदार जो होते हैं उस समय शेर खान लोदी, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो शेर खान लोदी से यानी पलचुरी नामक एक गांव को क्या कर लेते हैं, ये उनसे मांग लेते हैं, और फाइनली जो बाद में आप पांडिचेरी जानते हो ना, इसका नाम पहले क्या था, ये शेर खान लोदी से, इसका नाम जो आज का पांडिचेरी है ना, पहले पर्दुचरी था, क्या था, पर्दुचरी था, तो ये गांव हुआ करता था, ये एक गांव हुआ करता था। तो ये आप देखोगे शेर खान जो, और शेर खान लोदी थे, तो उन्हीं से लेकर के, और आप यहाँ एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे, बाद में इसी को पांडिचेरी कहा जाएगा, बाद में इसी गांव का नाम पांडिचेरी पड़ जाएगा। इसके बाद 1674 में धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतता है, 1674 में बंगाल के सूबेदार जो उस समय शाइस्ता खां होते हैं, तो शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को एक स्थान दिया जाता है, और 1690 से 92 तक, अब 1690 से 92 तक आप देखोगे जो चंद्रनगर की स्थापना करी जाएगी, 1690 से 92 के बीच ये चंद्रनगर की स्थापना करी जाएगी, और फाइनली 1701 में पौंडीचेरी को पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा। इसके बाद आप देखोगे मार्टिन को, जो मार्टिन है, मार्टिन को भारत के फ्रांसीसी मामलों के एक उच्चायुक्त के तौर पे, महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के तौर पे, डायरेक्टर कमिश्नर यानी कमिश्नर के तौर पे, महानिदेशक के तौर पे इनको नियुक्त किया जाएगा। पॉन्डिचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया, जो पॉन्डिचेरी के ही कारखाने में आप देखोगे जो मार्टिन है, इनने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया, किसका, फोर्ट लुई का निर्माण करवाया, फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। इसके साथ फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1721 में मॉरिशस, मॉरिशस 1724 में मालाबार, में मालाबार में माही, और 1739 यानी 1739 में कराईकल, आज भी आप देखोगे ये है कराईकल, कराईकल ठीक है। तो माहे, ये माही जो लिखा है ये माहे आज बोलते हैं, कराईकल यहां अधिकार कर लेते हैं। और 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ये सक्रिय हो जाते हैं। फाइनली परिणाम स्वरूप आप देखोगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध,
धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़े जाएंगे, जैसे कि कर्नाटिक वार है, अर्थात कर्नाटक का युद्ध है, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाएगा, और फिर कोरोमंडल के समुद्र तट पर जो किला बंद, जो मद्रास और पौंडिचेरी है, तो आप देखोगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो सामरिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण ये सेंटर बन जाएगा, महत्वपूर्ण ये मतलब सेंटर बस्तियां उभरेंगी, और फाइनली अंग्रेज जीतेंगे और यहां से फ्रांसीसी भी विदा लेंगे। तो स्लो अच्छा मनीष, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है ना तो मनीष नोट में लिखवाऊंगा ना मनीष, ये तो फैक्ट है। देखो भैया मनीष, ये पीटी के लिए मैं फैक्ट बता रहा हूं, जो मैं चीजें लिखवाऊंगा ना, हाँ सभी को ये ध्यान रखना है, बहुत सारे फैक्ट मैं उसमें नहीं लिखवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं स्लो कर दूंगा। ओके ओके ओके, तो बहुत सारे मैं फैक्ट जब मेंस का मेंस के लिए मैं नोट्स करवाऊंगा ऑप्शनल के लिए, तो फैक्ट की वहां जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वहां ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, ना कि बहुत फैक्ट की जरूरत होती है। तो वहां हम फैक्ट को थोड़ी से स्किप करेंगे, सारे फैक्ट स्किप नहीं करेंगे, जो जरूरी होंगे तो आप यहाँ जरूर बना सकते हो। ठीक है मैं अब धीमा करूंगा, धीमा बोलूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और इनके बारे में मैं डिटेल से थोड़ा बहुत जो कि कल है वो लिखवा दूंगा, ठीक है, कल लिखवा दूंगा। हमारी अगली क्लास 5:30 बजे होगी, हमारी अगली क्लास 5:30 बजे होगी, और 9 बजे आज क्लास है, 8 बजे ऐप पे क्लास है इंडियन इकोनॉमी की, वही जो क्लास चल रही थी, तीसरी या चौथी क्लास होगी, इंडियन इकोनॉमी में मुद्रा संकुचन पढ़ाना है, और जो क्लास 9 बजे जाती है, याद है 9 बजे कौन सी क्लास जाती है, इंडियन इकोनॉमी की, आज मैंने उसमें से अमेरिकी रिसेशन और यूरो जोन क्राइसिस बताया है, आपको समझ आएगा। जो ज्यादातर टीचर हमेशा एक चीज बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूं उस चीज को, कि अमेरिका को अगर जुकाम होता है तो छींक पूरी दुनिया को आती है। तो जब देखोगे कि अमेरिकी रिसेशन में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, अमेरिका में क्या इंपैक्ट पड़ा, और उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो 9 बजे की क्लास में होगा, 8 बजे की क्लास में इंडियन इकोनॉमी की चौथी हमारा क्या होगा, चौथा क्लास होगा, तो आप उसे भी, और 5:30 बजे आज जो मुझे उसमें क्या पढ़ाना होगा, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खुलने वाला है, 5:30 बजे जो टॉपिक खुलेगा आज, उसका नाम होगा सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। तो पहले हम जो भी एग्रेरियन मूवमेंट है उन्हें देखेंगे, यानी नक्सलवाड़ी मूवमेंट, और तेलंगाना जो है, तेलंगाना और तिभागा, इन सारी चीजों के जो सारे आंदोलन है, जो सामाजिक आंदोलन है, 5:30 बजे वाली क्लास में सामाजिक आंदोलनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूं, लेकिन आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तेजी से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिना किसी भी देरी के या बिना किसी कोताही के, कोताही समझते हैं ना, बिना कोताही का मतलब बिना किसी लापरवाही के। अगर यहां तक किसी कुछ नहीं पूछना तो हम यहीं तक लिखवाएंगे, मतलब यहां तक मैंने समझाया, और कल की क्लास में इसके बाद लिखवाने की कोशिश करूंगा मैं, कल की क्लास में पूरा हम लिखेंगे। और अगर थोड़ा बहुत सुनना है इन अंग्रेजों के बारे में तो बता दो, तो थोड़ा बहुत मैं 5-10 मिनट अंग्रेजों के बारे में भी बता दूं। देखो अंग्रेजों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बता दूं, अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ई आई सी लिखूंगा मैं, ई आई सी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, ई आई सी में लिखूंगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हैशटैग ई आई सी समझ लेना, ठीक है, ई आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना है वो 1600 में अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में इनकी स्थापना होगी। भारत आगमन जो है इनका, भारत आगमन आगमन 1608 में, 1608 में किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में भारत में इन्होंने कई फैक्ट्रियों की स्थापना करी,
इन्होंने भारत में कई फैक्ट्रियों की स्थापना करी। जैसे आप थोड़ा सा बस कल डिटेल से समझेंगे, इनके बारे में तो पूरे ये पढ़ना है हमें, इनके बारे में तो 250 सालों का इतिहास पढ़ना है ना। तो सूरत 1613 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, बॉम्बे, हुगली, हुगली मसूली पट्टनम मुसली पट्टनम या मसूली पट्टनम एक ही बात है, मुसली पट्टनम पट्टनम और मद्रास, ये मद्रास डिटेल से देखेंगे इनके बारे में कल। अब भारत आने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, भारत आने का इनका तात्कालिक उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, व्यापारिक लाभ, क्या था व्यापारिक लाभ। अब ये आयात इनसे क्या होता था, निर्यात। बस ये समझो कि आज की क्लास में थोड़ा सा मैं इनके बारे में रिव्यू दे रहा हूं। तो आयात की अगर आप बात करो तो आयात में सोना, सोना अच्छा चांदी, सोना चांदी, शराब शराब तेल। निर्यात की अगर बात करो तो सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र नील अफीम अफीम और सोरा, अफीम और सोरा, ठीक है। इस प्रक्रिया में आप देखोगे कि ये लाभ प्राप्त होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, और इसे आप देखोगे और महत्वपूर्ण बनाने के लिए इन्हें इनको किलाबंदी करने लगे। क्या किया, किलाबंदी किया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और प्रसार, ये हम सब हेडिंग डाल लेंगे, और इसमें से आप देखोगे कि अंग्रेजों के भारत में विजय के क्या कारण हैं। इन सारी चीजों के बारे में कल डिटेल से बात करेंगे हम। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना है, अंग्रेजी राज्य में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो सिंध होता है, सिंध है, यहाँ पे पंजाब, पंजाब है, कर्नाटक कर्नाटक, मैसूर मैसूर, मराठा, ये पूरी कहानी ये बहुत दिन चलने वाली है, बंगाल, ये सब विजित क्षेत्र थे, ये सब विजित क्षेत्र से ये कहानी ना, ठीक है। तो आज यहीं तक। आज यहीं तक रखते हैं और फिर जल्दी हम 5 बजे वाली क्लास में मिलते हैं आपसे, 5:30 बजे वाली क्लास, 5:30 बजे, 5 बजे मत इंतजार करने लगिएगा, 5:30 बजे, ठीक है। आपको पता ही है आज नेशनल मूवमेंट बजा आएगा। चलो ठीक है।